प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल केंद्रीय वित्त मंत्री ला चिट्ठी लिख के मांगे है आर्थिक मदद। कोविड के कारण राज्य के आय में कमी हुए के बाद कहत हुए अनुदान और क्षतिपूर्ति के केंद्र ले करे मांग। विश्व निमोनिया दिवस में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सांस अभियान के करी शुभारंभ। अभियान के द्वारा साल भर में शिशु मृत्यु दर ला आधा करे के रखे गए लक्ष्य। धान खरीदी के घोषणा के बाद अब बिचौलिया मन होए लगे सक्रिय। पड़ोसी राज्य ले लाए जावा थे धान। दरियाबंद में 466 बोरी धान करे गई जब्त। उड़ीसा ले लाए जात रही अवैध धान। हाथ में नियुक्ति पत्र होए के बाद भी सताए लगे है बेरोजगारी के डर। 2.5 बछर बाद भी 8,000 शिक्षक मन ला नहीं मिले है पद स्थापना। 20 नवंबर है भर्ती प्रक्रिया के अंतिम दिन। बीजापुर में ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काम करैया इंजीनियर और प्यून के नक्सली मन द्वारा अपहरण करे जाए के जताए जाते संभावना। गोरना मार्ग के मरम्मत कार्य के निरीक्षण पर निकले के बाद लापता हुए ले अपहरण के आशंका। प्रदेश में ठंड के मौसम में दिखा थे वर्षा के माहौल। कई जगह वर्षा होए के जताए गए संभावना। शुक्रवार बिहनिया ले छाए दिखी बदरा। गरियाबंद उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अभ्यारण्य में राजकीय पशु वन भैंसा के हुई मौत। बाड़ा के भीतर रखे नर वन भैंसा के अचानक मौत हो ले वन विभाग में मची सड़कम। दिव्यांग व्यक्ति के सशक्तिकरण पर छत्तीसगढ़ ला 3 श्रेणी में मिली राष्ट्रीय पुरस्कार। 3 दिसंबर के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर में दिल्ली में करे जाही पुरस्कार प्रदान। मुख्यमंत्री बघेल और मंत्री अनिला भेड़िया चयनित मल दीन बधाई। प्रदेश में धान खरीदी के पहली किसान मन ला हो गए बारदाना की चिंता। बारदाना खरीदी केंद्र ले बारदाना नहीं मिले के कारण पहली ले किसान मन करा थे व्यवस्था। मोटा रकम मां बिचौलिया मन करत है बारदाना की बिक्री।